जय गुरु जी आ, मैं अभी यहाँ पे आके बैठा था सत्संग के लिए नहीं गुरु जी की ये इच्छा है हुक्म है तो मैं इस आज सत्संग कर रहा हूँ हम लोग गुरु जी के पास फिजिकल रूप में मिलने का मौका 2003 में मिला और उस समय मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट मेरा 2001 में हुआ था और थोड़ा सांस चढ़ रहा है। मैं दो दिन से बेड रेस्ट पे हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा आपको <coughs> तो मैं आ, 1995 में मेरे एक मेडिकल एग्ज़ाम में पिकअप किया गया था कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है हमने हर तरह की कोशिश करी आ, मंतर जंतर पंडित ब्लैक मैजिक अंगूठियाँ, तावीज़ लाखों रुपए भी खर्च किया हमने क्योंकि लाइफ के लिए हम लोग फाइट कर रहे थे और सब कुछ करने के बाद 2001 में मेरी किडनीज़ बिल्कुल दोनों ख़राब हो गई थी और उसके बाद मेरी मदर ने मुझे अपनी किडनी डोनेट की थी और किडनी के मेरे ऑपरेशन के एक दिन पहले मुझे मेरे सर्जन ने बताया कि देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी है कि आ, ये 90% परसेंट केसेज में फिर से हो जाती है कि अगर आपको मदर ने किडनी दे दी इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक रहोगे 90% परसेंट केसेज में फिर से हो जाती है मेरी प्रॉब्लम का नाम है आई जी तो हमने कहा चलो ट्रांसप्लांट कराते हैं ट्रांसप्लांट कराने के बाद जब मैं डिस्चार्ज हुआ बहुत केयर लेनी पड़ती है जय गुरु जी एक ये कार है मर्सिडीज़ डी एल थ्री सी पी सेवन वन फोर वन ये जिसकी भी है प्लीज़ इसको ठीक तरह पार्क करें या किसी के घर के आगे है डी एल थ्री सी पी सेवन वन फोर वन मर्सिडीज़ ये जिसकी भी है प्लीज़ इसको ठीक तरह पार्क कर दीजिए थैंक यू तो हमारी भी पार्किंग उस समय गलत जगह में थी पंडितों के चक्कर में थी तो गुरुजी के पास आके पार्किंग होनी थी हमारी भी इसी तरीके से तो हम लोग आ, हर साल मेरा 2001 जून में मेरा ऑपरेशन हुआ था सितंबर में मैं बीमार हुआ था अपोलो में एडमिट हुआ अगले साल फिर 2002 में फिर से बीमार हुआ फिर सितंबर अक्टूबर में आई वाज एडमिटेड फॉर अबाउट दस दिन के लिए 2003 अक्टूबर में अगस्त सितंबर में मैं टर्की में था मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई वापस आया फिर से एडमिट हुआ डॉक्टर्स ने बायोप्सी करी मेरी मदर की किडनी और तब उन्होंने मुझे बताया कि आपकी मदर की जो किडनी डोनेटेड है उसमें सिक्सटी परसेंट फिर से इन्फेक्शन आ गया मतलब फिर से ख़राब हो गई है तो उस समय हमारे पास कोई चारा नहीं था और वी वर फेसिंग आई मीन आई वॉज फेसिंग डेथ तो इसी चक्कर में भाटी आंटी यहाँ बैठी हैं भाटी आंटी हमें कई बार से बोलती थी कि हमारे गुरु जी आओ और तब तक हम लोग थक चुके थे मैं चांटिंग भी करता था बुद्धिस्ट चांटिंग और मैं कहीं जाने के लिए तैयार नहीं था अब गुरु जी का बुलावा आया मेरी मदर गई जब पहले दिन मेरी मदर गई उन्होंने जब माथा टेका गुरु जी को तो गुरु जी का चोला उनके ऊपर गिरा तो मेरी मदर को कोई एहसास नहीं हो कि चोला गिरा नहीं पर संगत ने देखा वहां पे कि गुरु जी का चोला उनके ऊपर गिरा है तो जब वो बाहर आई रो रही थी तो उन्होंने कहा गुरु जी ने तो आपको ब्लेस कर दिया क्योंकि उनका चोला आपके ऊपर गिरा जब आप मत्था टेक रहे थे तो तब गुरु जी ने कहा अपने बेटे को लेके आओ तो उन्होंने कहा ये तो बुद्धिस्ट चांटिंग करता है ये तो आएगा नहीं तो उनका उतनी वोटी नू ले आओ तो फोटो ना ले आओ तो मेरी वाइफ वहाँ गई और गुरुजी ने एक लोटा मंगवाया था आप देखते हैं मंदिर में लोटा ब्लैस कराती है संगत लोटे का महत्व ये है कि जिसको सीरियस इलनेस होती है उसको गुरुजी ब्लेस करा के देते हैं तो शायद मेरे लिए आज हुक्म है कि मैं आपको बताऊं जैसे कैंसर होता है किडनी फेलियर्स हैं हार्ट ट्रबल्स हैं जो है कि डॉक्टर्स भी मुश्किल बोलते हैं कि क्योर नहीं हो सकता गुरुजी लोटा लाकर ब्लेस करके बोलते थे रात में पीने का पानी डालिए इसमें सुबह उठ के आधा पीजिए और आधा नहाने के पानी में डालिए तो कई बार अब संगत आती जो बोलते हैं कि ये तो पीस फॉर द फैमिली पीस फॉर द हाउस होल्ड ये उसके लिए नहीं है ये इलनेस के लिए गुरु जी देते थे ब्लेस करके मैं गुरु जी के पास नहीं गया बट गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे पास आ गई मैं तीन महीने तक गुरु जी के पास खुद नहीं गया पर मैं वो पानी जरूर गुरु जी का ब्लेस पीता था क्योंकि आई वॉज सर्वाइव फाइटिंग फॉर माई सर्वाइवल तीन महीने के बाद मेरी किडनी के कंडीशन जैसे पहले थी अपने आप रिवर्स हो गए जो कि सारे नेफ्रोलॉजिस्ट ने मना कर दिया था एम्स भी चेक किया यूएस में भी चेक किया और अपोलो में तो चेक किया था तब हमें गुरु जी की वहाँ से ब्लेसिंग्स का एहसास हुआ फ्लो कैसे कर रही थी क्योंकि मैं गुरु जी के पास नहीं गया था मैंने कोई थैंक यू नहीं किया पर गुरु जी ने अपने आप मेरे को ब्लेस किया था तो हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग ऐसी है कि जो अपने आप फ्लो करती है इसी तरीके से हमारे पास कठिनाइयाँ आती गई Uh, मैं आपको अभी सर मेडिकल की बता रहा हूँ हमारी ये प्रॉब्लम चलती रही कि हर साल में सेप्टेम्बर में एडमिट जरूर होता था टू थाउजेंड फोर टू में जब मैं अपोलो में एडमिटेड था तो मेरी वाइफ ने कहा कि बहुत ज़्यादा हो गया आठ नौ दिन हो गए थे तो वहाँ पे बालाजी का एक मंदिर है अपोलो हॉस्पिटल में पार्किंग के पास तो मेरी वाइफ लोटा मांझने के लिए बाहर आई क्योंकि काला हो गया था लोटा सुबह डॉक्टर्स आए उन्होंने कहा अभी चार पांच दिन और लगेंगे तो बहुत रोई आके मंदिर के पास उसने कहा कि गुरु जी कब तक चलेगा ये सात साल हो गए सात साल हो गए और हर साल ये एडमिशन का चक्कर चलता रहता है जब वो वापिस आए तो एक घंटे के बाद डॉक्टर्स फिर से आए अराउंड के लिए उन्होंने कहा अपने हस्बैंड को डिस्चार्ज करके ले जाओ वही डॉक्टर्स जो दो घंटे पहले कह गए थे कि अभी चार दिन लगेंगे 2006 के बाद आज तक गुरुजी ने कभी भी वो दिन नहीं दिखाया कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा होगा ये गुरु की ब्लेसिंग है और फेथ गुरु का जो हमें है वो तो हंड्रेड है क्योंकि नाइन्टी फेथ नहीं होता क्योंकि उसमें पॉइंट की कमी हो जाती है इसी तरीके से हेल्थ के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक हुई और हर तरह की हमारी प्रॉब्लम्स ठीक होती थी मैं सिर्फ एक और सत्संग ज़रूर करूंगा आज क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं यहाँ पे हर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वरी करते हैं और हम भी करते थे और मेरी आंटी बहुत ज़्यादा करती थी कि मेरे बेटे ने जब टेंथ पास किया तो साइंस स्टूडेंट था सर आई विल टेक टू मिनट्स मोर उसने साइंस में टेंथ किया और ट्वेल्थ में भी उसने कहा साइंस लूँगा पीयर प्रेशर था कजन्स का प्रेशर था कि करना है इंजीनियर टिपिकल इंडियन साइकी इंजीनियर बनना है प्रोफेशनल बनना है एंड ऑल दैट मैंने उसको कहा तो इकोनॉमिक्स भी ले लेना बिकॉज इट ओपन्स अप ऑप्शन खुल जाते हैं आपके यहाँ तो उसने इकोनॉमिक्स भी लिया लेवेंथ में उसके मार्क्स कम हुए तो सब ने कहा अलेवेंथ में होते हैं मार्क्स कम बिकॉज बच्चे हाई स्कूल में आते हैं थोड़ा इंडिपेंडेंस ज़्यादा हो जाती है ट्वेल्थ में उसके मार्क्स और कम हुए मिड टर्म में तो तब हमने कहा अब क्या करेंगे कोई नहीं इंजीनियर भी बनना है क्योंकि सारे कजन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसने छः जगह इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया ही फेल्ड इन ऑल द सिक्स प्लेसेस आई वॉज वेरी हैप्पी एज अ फादर मैंने कहा एटलीस्ट वो उस जगह में नहीं जा रहा जो उसके लिए नहीं है अदरवाइज पूरी जिंदगी वो दुखी रहेगा उसके आए 74%। परसेंट अब 74% परसेंट पता है आपको डी में इवनिंग कॉलेज में भी नहीं मिलता है तो हमने कोशिश करी दुबई में भी कुछ सेट किया ठीक है पंद्रह एक लाख रुपए साल का तो हमने कहा एक ही बेटा करेंगे उसके बाद हमने वो लीड यूनिवर्सिटी वगैरह के टाई हैं ओखला में वहाँ भी एडमिशन कराया फाइव लाख रुपीज़ पर ठीक है करते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग है मैं डी का फॉर्म लेके आया वहां से जब मैं डी का फॉर्म लेके आया तो उसमें मैं ऐसे पहली बार लेके आया था जब मैं पढ़ रहा था मैंने कहा रिजर्व कैटेगरीज देखते हैं तो रिजर्व कैटेगरीज में एक आर्म फोर्सेज की कैटेगरी थी मैंने आठ साल आर्म फोर्सेस में पहले बिताए हुए हैं चार साल ट्रेनिंग में चार साल एज एन ऑफिसर तो वहां पे जब मैंने देखा तो एक ऑफिसर्स की कैटेगरी में वो था कि एक मेडिकल इंजरी वाले तो मेरे को फौज में था मेरे को घुटने में चोट लगी थी इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ा था तो वो कैटेगरी वहाँ फंस गई आके और हमें कोई आइडिया नहीं था हम गुरु का नाम लेके गए हुए थे सिर्फ और हमने अप्लाई किया वहाँ जाके तो जब अप्लाई किया तो थर्टी चॉइसेस थी हमने जय गुरुजी करके एसआरसीसी सबसे ऊपर फिर हिंदू कॉलेज फिर दूसरा कॉलेज करते करते पच्चीस हो गए तो मेरा बेटा घबरा गया उसने कहा पांच इवनिंग कॉलेज भी कर लो कोई पता नहीं है वी हैड अ डाउट स्टिल ऑन गुरुजी तो हमने पांच इवनिंग कॉलेज भी लिख लिया वहाँ पर जब मेरी वाइफ सबमिट करने के लिए फॉर्म गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा है आपके बेटे के 74 परसेंट है थोड़ा तो सोचना चाहिए आपको एस आर सी सी ऊपर लिखा आपने मेरी वाइफ ने कहा हमारी अलग ब्लेसिंग है आप रख लीजिए वहाँ जमा हो गया तो सेकेंड जुलाई टू को रिजल्ट आने थे हम लोग फर्स्ट जुलाई को गुरु के पास मंदिर में आए हुए थे थर्सडे का दिन था हमने मत्था टेका फ़ोन साइलेंट पे होता है आपको पता है जब सारी संगत निकल गई लास्ट राउंड लंगर का था तो मैंने देखा काफी सारी मिस कॉल्स थी जब मैंने देखा और मैसेज देखा उसमें लिखा हुआ था योर सन एज गॉट एडमिशन टू एस आर सी सी बी कॉम ऑनर्स नॉ कैन यू इमेजिन सेवेंटी फोर परसेंट का अगर कोई स्टूडेंट हो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कोटे का मेरे को कोई आइडिया नहीं था वहाँ पे क्या एडमिशन प्रोसेस है हम लोग बड़े खुश पर बिलीव नहीं कर रहे थे तो हमने दो तीन फोन किया कि आप वेबसाइट में जाके चेक करो वी स्टिल डिंट ट्रस्ट गुरु जी इज उसके बाद जब मेरी वाइफ वहाँ पे गई एडमिशन कराने के लिए तो वहाँ एट सीट्स थी सिक्सटीन लोगों को उन्होंने फॉर्म दे दिया डी यू डी ने तो वहाँ फिर प्रॉब्लम हो गई तो फिर वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आप हिंदू में करा लीजिए मैंने कहा करा लो क्या प्रॉब्लम है हिंदू इज अ टॉप एंड कॉलेज अब एस वाले बोले नहीं हमारे यहाँ करना चाहिए क्योंकि हमें लिख के दिया डी वाले बोले सिक्सटीन तो प्रॉब्लम हो गई तो मैं गया वहाँ पर अगले दिन मैंने गुरु की फ़ोटो जेब में रखी मैं नॉर्मली नहीं करता यह और जब मैंने गुरु की फोटो देख के मैंने अंदर गया मैंने कहा आज गुरु काम करा दो इज्जत से जैसे ही मैं एस के जो स्टाफ रूम में गया जहाँ एडमिशन प्रोसेस थी तीन प्रोफेसर बैठी थी उसमें एक उठ उट, के मेरे पास अपने आप हाँ आई बोली हाउ आर यू आपने मुझे शायद पहचाना नहीं मैं ये हूँ तो मेरी मेरी मामी की फ्रेंड थी आई हैड नो क्लू वो अंदर बैठी होगी उसने फटाफट हमें बोला कि आपको दो फॉर्म्स पूरे करिए आपके बेटे का एट है नाम टेन थर्टी का टाइम था वन ओ क्लाक एडमिशन खत्म होता है वो फॉर्म्स लेने के लिए हम भागे हम डी यू में हमने फटाफट फॉर्म किया सब कुछ किया ट्वेल्व थर्टी वी वन ट्वेल्व थर्टी हम वापस पहुँचे तो आप देखिए मैं स्टाफ रूम में जाता हूँ एस आर सी सी के मैंने फॉर्म्स दिए उन्होंने कहा फॉर्म्स बाद में करना आप ये लीजिए वहाँ पर समोसा प्रसाद और चाय पड़ी हुई थी वहाँ पर जो गुरु जी का प्रसाद है तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग होती है हमने लिया आज मेरा बेटा पास आउट करने वाला है वहाँ से तो मैं आपसे इसलिए ये शेयर कर रहा था सत्संग तो लंबा हो सकता है मैं अभी भी लंबा ही है कमांडर शर्मा खड़े हैं यहाँ पे कि ब्लेसिंग्स इतनी है कि हम लोग उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते आप आइए खुर्शी की ब्लेसिंग इसी तरीके से लीजिए 100% हंड्रेड परसेंट आइए जय कुर्